पहाड़ी चित्रकला के कलाकारों ने कई वर्ष पूर्व सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक व सांस्कृतिक परिवेश को अपनी मनोवृत्ति से चित्रित किया है, जो आज अपने आप में एक इतिहास संजोए हुए हैं। ये शब्द राकेश कुमार, प्रजापति जिलाधीश जिला कांगड़ा ने शोध संस्थान नेरी, इतिहास विभाग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक, राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर व संस्कार भारती हिमाचल प्रांत के संयुक्त तत्वाधान द्वारा आयोजित 7 दिवसीय पहाड़ी चित्रकला कार्यशाला के समापन अवसर पर कहे। उन्होंने कहा कि नवोदित चित्रकार पहाड़ी चित्रकला शैली से मार्गदर्शन लेते हुए नए दृष्टिकोण से अपनी रचनाओं का सृजन करें व उसमें अपनी छाप छोड़े। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर छेदराम गर्ग ने इस मौके पर कहा कि कलाकारों द्वारा बनाई गई ये कृतियां हजारों वर्षों तक जीवंत रहती हैं। उन्होंने कहा कि मानव सभ्यता के विकास में चित्रों का बहुत अहम महत्व रहता है। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर भागचंद चौहान ने पहाड़ी चित्रकला शैली के इतिहास पर विस्तार से जानकारी डालते हुए कहा कि चित्रकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग समाज को नई दिशा देगी। कार्यशाला संयोजक डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा ने कार्यशाला का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि नवोदित कलाकारों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से चित्रकारी की बारीकियों को समझा। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, फरीदाबाद, आगरा, उत्तर प्रदेश व कर्नाटक से 26 नवोदित कलाकारों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। पीएलटीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।